हे हाय गाइस, मैं हूँ विवेक कुमार पांडे और आप देख रहे हैं होस्ट पंगान में यूट्यूब चैनल। और ये जो वीडियो है ये होगा ई कॉमर्स के लिए। तो यहाँ पे हम लोग लास्ट वीडियो में कंप्लीट प्रोफाइल के लिए हम लोग यहाँ पे टेम्पलेट बना रहे थे, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग में उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम था। वो वीडियो लास्ट में कुछ मेरे सिस्टम के चलते कुछ प्रॉब्लम हुआ, इसलिए वीडियो पूरा नहीं कर पाए। तो इस वीडियो में मैं उसको पूरा कंप्लीट करने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक बार ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको आपको एक बार रन करा के दिखा देता हूँ। यहाँ पे ऐप है, ये रन हुआ है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और साइन अप के पेज पे जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही हम लोग फॉर्म बना चुके थे। यहाँ पे जो ईमेल डालता है, पासवर्ड डालता है, उसके बाद ये नेक्स्ट पेज पे जाता है। तो ये भी फॉर्म हम लोग यहाँ पे बना लिए हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ हम लोग को चेंज करना है, लाइक जैसे यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे मैं साइन अप के पेज पे आ जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं ईमेल को पुट करता हूँ, ईमेल। तो यहाँ पे मैं एक ईमेल डाल देता हूँ और उसके साथ यहाँ पे एक पासवर्ड डालता हूँ जो 8 कैरेक्टर का होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक वैलिडेशन लगाए हुए हैं जिसका यहाँ पे होगा कि उसका लेंथ एटलीस्ट 8 होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे पासवर्ड को मैच कराने के लिए भी मैं लगा देता हूँ। सपोज यहाँ पे पासवर्ड मैच नहीं कर रहा है, उसके बाद आपको यहाँ पे एक एरर आ रहा है, पासवर्ड इज टू शॉर्ट, ठीक है। उसके बाद मैं और कुछ पासवर्ड यहाँ पे देता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं आपकी ये पासवर्ड जो है वही सेम एरर आ रहा है। अगेन, जब भी मैं क्लिक कर रहा हूँ तो वही सेम एरर आ रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि साइन अप के फॉर्म में जहाँ पे वैलिडेटर है, ठीक है, यहाँ पे वैलिडेटर के अंदर आपको सिंपली जहाँ पे एड एरर कर रहे हैं उसके बाद आपको कर देना है रिटर्न एम्प्टी, एक स्ट्रिंग रिटर्न करना है आपको, ठीक है। इसी को आपको कॉपी कर लेना है और यहाँ भी पेस्ट कर देना है, और अगेन यहाँ भी पेस्ट कर देना है। सेम हम लोग जाएंगे अपने बिल्ड पासवर्ड वाला फॉर्म में, और यहाँ भी वैलिडेटर है, ठीक है। इसको भी हम लोग सेम वही जहाँ जहाँ पे वैलिडेटर है एड एरर के नीचे आपको पेस्ट करना है, सिर्फ वैलिडेटर में, ठीक है। वही सेम आपको यहाँ भी करना है ईमेल वाले में। और अब मैं इसको करता हूँ हॉट रिलोड, ठीक है। मैंने हॉट रिलोड किया और अब मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एरर तो चला गया और यहाँ पे पासवर्ड का दे रहा है, ठीक है। अभी मैं पासवर्ड भी ठीक करता हूँ इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सेम यहाँ भी मैं वही चीज देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। और अब मैं क्लिक पे क्लिक करता हूँ कंटिन्यू पे, और आप देख सकते हैं कि सेकंड स्क्रीन पे चला गया, ठीक है। यहाँ पे पासवर्ड हम लोग का मैच हुआ और सेकंड स्क्रीन पे चला गया, ओके। अब यहाँ पे कंप्लीट प्रोफाइल के अंदर यहाँ पे अब हम लोग को देना है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और पासवर्ड। पासवर्ड कंप्लीट प्रोफाइल में फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। एक्चुअली यहाँ पे कुछ चीज हम लोग को चेंज करना होगा, लाइक पासवर्ड यहाँ पे नहीं होगा और कंफर्म पासवर्ड यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि ये तो उसी स्क्रीन का है। तो इसको चेंज करने के लिए हम लोग जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग जाएंगे और यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्म है फर्स्ट नेम और पासवर्ड, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड एड्रेस के लिए ये है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग को चेंज करना है एड्रेस के लिए, तो ये चूंकि होगा टेक्स्ट में, इसका टाइप टेक्स्ट होगा और ये एड्रेस का है, ओके। यहाँ पे लेबल में मैं दे देता हूँ एड्रेस, एड्रेस, ठीक है, इंटरव्यूअर एड्रेस, एड्रेस, ओके। और उसके बाद आपको यहाँ पे वैल्यू इसका मैं चेंज कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ एड्रेस, ठीक है। और यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि आपको अगर SVG आइकन यूज करना है तो कैसे आपको वो यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आइकन ऐड करना है एड्रेस के लिए, ठीक है। तो मेरे पास है यहाँ पे लोकेशन पॉइंट एक बोल के, मेरे पास एक यहाँ पे SVG ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ रिफैक्टर में जाके रिनेम, और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। आपको मैंने ये भी बताया था पहले के वीडियो में कि आपको कैसे SVG को यूज करना है, तो यहाँ पे ये यह हो जाएगा। और पासवर्ड यहाँ पे नहीं रहेगा, ठीक है, और एड्रेस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो पासवर्ड है यहाँ पे इसको मैं हटा दूंगा,
इसका जरूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ रिटर्न एक एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। और अगेन इसको भी जरूरत नहीं है हम लोग का, तो इसको भी मैं रिमूव करता हूँ यहाँ से। ये हम लोग कर रहे हैं फोन वाले के लिए, ठीक है। और यहाँ पे फोन हो जाएगा, फोन इंटर योर फोन नंबर, ठीक फोन नंबर, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग चेंज कर देंगे इसको, यहाँ पे मैं सिंपली फोन करता हूँ। और यहाँ पे लॉग के लिए यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी एक है जिसका मैंने नेम रखा है फोन डॉट एस पी जी, ठीक है। और ये फ्लोटिंग होगा, ठीक है। और यहाँ पे फोन, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे मेल हो जाएगा और ये हो जाएगा ईमेल के लिए वैलिडेटर। सेम चीज हम लोग जो एम्प्टी रिटर्न कराने वाले हैं वो एरर को रिमूव करने के लिए, कि जब भी एरर आएगा और जब आप उसको वैलिडेट करेंगे उसके बाद जो एग्जिस्टिंग एरर है अगर वो सही होता है तो उसको रिमूव करेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको यहाँ पे नल लगा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जरूरत नहीं है इसके लिए, हम लोग यहाँ पे ऐड के बाद सिंपली ये रिटर्न कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, ठीक है। उसके बाद मैं इसको करता हूँ कंटिन्यू, और अब मैं यहाँ पे नेम डालता हूँ। नेम के लिए सपोज मैं डालता हूँ विवेक, विवेक फर्स्ट नेम, ओके फर्स्ट नेम है। और यहाँ पे लास्ट नेम होगा, ये भी हम लोग को चेंज करना होगा। अब फर्स्ट नेम बिल्ड लास्ट नेम, तो ये हो जाएगा यहाँ पे लास्ट नेम, और यहाँ भी हो जाएगा लास्ट नेम, ठीक है। इसको हॉट रिलोड मैं करता हूँ और यहाँ पे देखते हैं तो ये चेंज हो गया, लास्ट नेम हो गया है। और यहाँ पे मैं लास्ट नेम डाल देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ भी फोन डालता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे मैंने फोन के लिए क्लिक किया है यहाँ पे नंबर आ गया, क्योंकि वहाँ पे कीबोर्ड टाइप हमने फोन दिया था, ठीक है। और यहाँ पे एड्रेस मैं दे देता हूँ सपोज कोलकाता, ठीक है। और अब मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे इसका भी टेम्पलेट आप देख सकते हैं कि बन चुका है। और अगर इसका डेटा हम लोग को गेट करना है तो उसके लिए हम लोग को सिंपली क्या करना होगा, जो भी फील्ड है, ठीक है, इसका डेटा गेट करना है तो हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे एक और चीज करना होगा कि फॉर्म जब ये सारा चीज वैलिडेट हो जाए उसके बाद ये जो भी करंट स्टेट होगा उसको उसको सेव कर लेंगे, मतलब जो भी डेटा होगा उसको हम लोग सेव कर लेंगे। उसके लिए हम लोग को सिंपली क्या करना है, यहाँ पे करना है फॉर्म की डॉट करंट स्टेट डॉट सेव। ये मेथड क्या करेगा कि जब आपका वैलिडेट हो जाएगा जितना भी इनपुट है आपका वो सारे जो वैलिडेट हो जाएंगे उसके बाद ये सेव कर देगा सबको, ठीक है। यहाँ पे एक आ रहा है, ओके ऐड नल चेकर, ठीक है। यहाँ पे नल चेकर मैं ऐड कर लिया। और उसके बाद सपोज यहाँ पे अगर हमको लेना है डेटा को तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लेता हूँ सपोज फर्स्ट नेम के लिए, फर्स्ट नेम, हाँ यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट नेम, ठीक है। इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा फोन नंबर के लिए, फोन नहीं लास्ट नेम, मैं कर देता हूँ इसको लास्ट नेम, और ये हो जाएगा यहाँ पे लास्ट नेम, ठीक है। ये फोन के लिए हो जाएगा और यहाँ भी हो जाएगा फोन, एड्रेस के लिए है ये, एड्रेस, ठीक है। और अब मैं इसको हॉट रिलोड करता हूँ और देखते हैं कि आउटपुट आ रहा है नहीं आ रहा है। कंटिन्यू पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे अभी इसका आउटपुट नहीं आया। ओके कंप्लीट प्रोफाइल में एक बार और मैं चेक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ कंटिन्यू, और यहाँ पे आप देखें तो कि मैं इसको रिस्टार्ट करता हूं एक बार और अब चेक करते हैं हम लोग तो। और उसके बाद मैं यहाँ पे साइन अप के पेज पे आ जाता हूँ, और साइन अप के पेज पे आने के बाद यहाँ पे मैं ईमेल देता हूँ एक ईमेल, और यहाँ पे पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैं कर देता हूँ। सेम यहाँ पे 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9, ठीक है। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं,
यहाँ पे जो एरर आ रहा है उसके लिए हम लोग को क्या करना है, सिंपली हम लोग जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे ईमेल के बाद हम लोग को इक्वल टू लगाना है, जो यहाँ पे लेट लगा होगा ठीक है, उसको लेट को हम लोग नहीं लगाना है, यहाँ पे हम लोग एमपीटी एक स्ट्रिंग पास कर देना है ठीक है। यहाँ पे बेसिकली हो रहा है कि नल वैल्यू है ठीक है, इसलिए यहाँ पे पहले ही ये एरर दे रहा है। जब ये पास कर देंगे उसके बाद अब मैं यहाँ पे सपोज कि मैं यहाँ पे ईमेल दिया हूँ और ईमेल मैंने नहीं दिया, यहाँ पे जस्ट नेम मैंने दिया है ठीक है, और मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पास नहीं हो रहा है, यहाँ पे ईमेल देना होगा। उसके बाद मैं यहाँ पे ईमेल दे देता हूँ एक वैलिड ईमेल, यहाँ पे मैंने एक वैलिड ईमेल दे देता हूँ ठीक है, और उसके बाद मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं कि सेकंड पेज पे आ गया है ठीक है। अब सेम आपको यहाँ भी क्या करना है, यहाँ पे है ठीक ठीक है, और यहाँ पे आपको मैं पुट करता हूँ वैल्यू को, यहाँ पे मैंने पुट किया विवेक ठीक है, लास्ट ने मैंने पुट किया अंडे पांडे ठीक है, और यहाँ पे एक मैंने नंबर दे दिया ठीक है, और यहाँ पे एक एड्रेस दे देता हूँ मैं ओके। और उसके बाद मैं अब कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कंटिन्यू पे जा रहा है लेकिन यहाँ पे वैल्यू अभी भी नहीं आ रहा है, तो उसको हम लोग चेक करते हैं क्यों नहीं वैल्यू आ रहा है ठीक है। वैल्यू इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे वैलिडेट है ठीक है, तो इसको आपको हटाना होगा, यहाँ पे हम लोग लगा के रखे हैं इट नॉट वैलिडेट, अगर वैलिडेट नहीं होगा तब यहाँ पे आएगा ठीक है। अब मैं अगेन हॉट रिलोड करता हूँ इसको और अब मैं ऐप में जाता हूँ और मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट नेम आ गया, लास्ट नेम आ गया, फोन आ गया और एड्रेस भी आ गया जो है इसका ठीक है। ये हो गया, अब हम लोग टेम्पलेट बनाएंगे, इसमें हम लोग साइनअप का फॉर्म बनाया जिसमें हम लोग इसका वैल्यू को भी गेट किए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फॉरगेट पासवर्ड के लिए यूआई बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और भी गाइड वीडियो को अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।